come back. Now we're discussing another problem of NCERT exemplar. यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, आपको शो करना है जो सम है किसी एक ए पी का, जिसकी पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म सेकेंड टर्म इज बी और लास्ट टर्म है सी, इज इक्वल टू द बी प्लस सी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी अपॉन टू इंटू बी माइनस ए. ठीक है, तो अब चलते हैं सम के फॉर्मूले पे. सम का फॉर्मूला, एक और फार्मूला जो होता है वो होता है एन बाई टू और ब्रैकेट में ए प्लस एन, ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड एल मतलब द वेरी लास्ट टर्म. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है कि फर्स्ट टर्म आपकी ए ही है. कंफ्यूज मत होइएगा इसे, इसे ये दोनों ए आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसको चलिए मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ. ठीक है, फ़िलहाल अल्फ़ा बोल देता हूँ. तो n बाई टू तो एज इट इज़ आएगा, इस ए की जगह जो पहला टर्म है यानी वो ए ही है, या अल्फ़ा ले लीजिए कोई भी, वो पुट किया. लास्ट टर्म है इसकी सी, तो प्लस का सी आ गया. तो सम का फॉर्मूला लगा के आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है. ठीक है, यहाँ तक. अब प्रॉब्लम ये है, आपको जो आंसर देना है वो तो ये सब कुछ लिखा हुआ है और आपका जो सम निकला है वो आपके पास ऐसा कुछ है. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक n एक्स्ट्रा है और यहाँ पे n नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इस n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब वो जनरल टर्म के फॉर्मूले को लगाते हैं. यहाँ पे आप बहुत ढंग से देखें तो इस ए पी की जो फर्स्ट टर्म है डैट इज़ एल्फ़ा और वी कैन से ए ऑल्सो. ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इस ए पी की है बी और फर्स्ट टर्म है ए, तो जो कॉमन डिफरेंस डी आएगा वो बी माइनस ए आ जाएगा. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एनथ टर्म, एनथ टर्म मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इस ए पी में सी गिवन है तो वो हमने सी ले लिया है. ठीक है, तो जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यू कैन सी आपका फॉर्मूला होता है ए एन, तो ए एन की जगह आया सी. फर्स्ट टर्म इज ए को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए गिवन ही है आपको, प्लस एन माइनस वन एज इट इज़ है. डी की जगह आपने क्या रखा, ये डिफरेंस बी माइनस ए, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए. अब ये सी इक्वल्स टू ए है, तो जब ये ए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, तो ये आपका सी माइनस ए हो जाएगा. अब जब ये इधर चला गया, अब आपके आर एच एस में सिर्फ ये फैक्टर बचे, ये मल्टीप्लिकेशन में ये पूरी चीज़ यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी. ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब आपको पता है ये माइनस का वन है, जब ये इनके साथ आएगा तो ये प्लस का वन हो जाएगा. ठीक है, देन आपने एलसीएम लिया, एलसीएम में आपका पता है डिनोमिनेटर में बी माइनस ए ही रहेगा. अब क्योंकि बी माइनस ए के पास ये तो है, तो यहाँ पे सी माइनस ए में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जो प्लस में एक फैक्टर आएगा वो बी माइनस ए आ जाएगा. और जब आपने इन्हें प्लस किया तो सी प्लस बी हो गया, माइनस ए और माइनस ए माइनस का टू ए, तो एन की वैल्यू जो आपके पास फाइनली आई है वो आपके पास आई है सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए. ठीक है, अब आपका ये एक्सप्रेशन था जहाँ पे एन को हमें रिप्लेस करना था, एन की वैल्यू ये आई है. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी कैन से My sum is equals to c plus b minus 2a into a plus c upon 2 into b minus a. ठीक है, so this question is done. Please note it down. बहुत easy question है और important भी है. चलिए, thank you.